वेलकम टू सौरभ आई टी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जो है हम बात करने जा रहे हैं आईटीआई रिजल्ट से रिलेटेड, क्योंकि जो है 2024 में जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है उनका जो है लास्ट एग्ज़ाम बात करें तो 9 सितंबर को था। 9 सितंबर के बाद जो है अब वेट हो रहा है, सभी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। तो रिजल्ट जो है कब आएगा और जो है रिजल्ट एनसीवीटी डीजीटी जो है जारी करता है, तो इस वीडियो में जो है हम सारी डिटेल पे बात करेंगे, क्योंकि जो है डीजीटी ने किस डेट को बोला था एग्ज़ाम को और सारी डिटेल पे हम बात करेंगे। तो वीडियो जो है आप पूरा अंत तक देखिएगा तभी आपको सारी डिटेल समझ में आएगी। जैसे आपको पता है कि इस चैनल पे जो है हम आईटीआई से रिलेटेड, रेलवे अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जो है कैंपस प्लेसमेंट देख रहे हैं या सारी चीज़ें, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आपको जो है नोटिस दिखा देते हैं, यानी कि जो है जो डीजीटी ने जारी किया था उसकी जो है इस बार जो है नए पोर्टल पे सारी चीज़ें शिफ्ट हुई थी, तो लगभग जो है 4 बार रिवाइज हुआ था। यानी कि जो है लास्ट ये 30, यानी कि 30 जो है जुलाई को ये लास्ट नोटिस थी। इसके बाद जो है लगभग ये चौथी जो है नोटिस है, इसमें जो है सारी डिटेल पे बताया गया था किस डेट को जो है ये क्या कंडक्ट कराएंगे। तो जो है सीबीटी एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने बोला था 22 अगस्त से लेकर 9 अगस्त सितंबर के बीच में जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ये जो है लास्ट एग्ज़ाम 9 सितंबर को हो गया है। 9 सितंबर के बाद जो है रिजल्ट पब्लिकेशन की बात डीजीटी ने की थी 15 सितंबर को, तो जो है आज 13 सितंबर हो गई है, 2 दिन का और टाइम लगेगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। डीजीटी के हिसाब से देखें तो ये 15 सितंबर का है, यानी कि 15 सितंबर को रिजल्ट आएगा। लेकिन जो है जैसे भी सारी चीज़ें नई हैं इस बार, पोर्टल भी नया है, तो हमें लगता है कि ये लास्ट जो है 20 सितंबर के पहले आपका एग्ज़ाम हो गया वो आ जाएगा, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा एग्ज़ाम का। तो लेकिन एक चीज़ कभी कभी ऐसा भी होता है, डीजीटी ने जो डेट बताई है रिजल्ट पब्लिकेशन की, तो पहले ऐसा हुआ है। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम देखें, जैसे डीजीटी ने 25 डेट बताई है किसी भी, यानी कि 25 सितंबर बताया है एक एग्जांपल देखें, तो 25 सितंबर जैसे डेट बताया तो 24 सितंबर को ही आ जाता था रिजल्ट। लेकिन जो है इस बार भी हो सकता है, कुछ कन्फर्म नहीं होता है, लेकिन जो है मे बी हम ये कह सकते हैं तो लगभग 20 सितंबर के पहले जो है रिजल्ट आ जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान दें, एक जो है टेंडेंटिव डेट हम आपको बता रहे हैं, तो ये जो है 20 सितंबर तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप जो है जैसे अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो जो है बहुत सारी यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर से निकल के आ रही हैं और प्राइवेट सेक्टर, जिनका जो है हमने अपनी वेबसाइट saurabhit.com पे सारी चीज़ें डाल रखी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि आप लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप में आते हैं, आप जैसे फर्स्ट पेज पे विजिट करेंगे तो लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप है और लेटेस्ट आईटीआई जॉब है, तो यहाँ से जो है आप देख सकते हैं। यानी कि JBM ऑटो लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी थी, जैसे बात करें अभी जो है रेलवे की वैकेंसी आई हुई थी तो उसको भी आप देख सकते हैं। रेलवे की वैकेंसी देखने के लिए रेलवे अप्रेंटिसशिप पर क्लिक करिएगा, उस पर जो है यहाँ पे जो है जितनी भी रेलवे की अप्रेंटिसशिप आई हुई हैं अभी जो है ये RRC NR की वैकेंसी आई हुई थी, तो जो है आप यहाँ से देख सकते हैं सारी डिटेल और उसके बाद जो है अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने का आप लिंक वगैरह ये सारी चीज़ें मैं डाल रखा हूँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको डेट पता ही चल गई है कि हाँ जो है 15 सितंबर को जो है डीजीटी ने बोल रखा है, लेकिन जो है 20 सितंबर के पहले पहले आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।